ये है पूर्वांचल के माफिया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिनकी तलाश एक बार फिर पुलिस ने शुरू कर दी है। मुन्ना बजरंगी की पत्नी के आरोप के बाद भी पुलिस ने 2018 में धनंजय को मुन्ना की हत्या में आरोपी नहीं बनाया था। कहते हैं कि उस समय भाजपा में उनकी पकड़ अच्छी थी, लेकिन पिछले दिनों हुए उपचुनाव के बाद भाजपा ने उनसे दूरी बना ली। अब ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में हुई हत्या की साजिश रचने का आरोप उन पर लगने के बाद कोर्ट ने बकायदा धनंजय के खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश करने वाले धनंजय सिंह का अपराध से नाता कभी टूट नहीं पाया। राजनीति में आने के बाद वह विधायक फिर सांसद बन गए, लेकिन उन पर हत्या की साजिश रचने व अपने गुर्गों से हत्या कराने के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। 2 साल पहले जेल में माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप भी उन पर लगा था। इस बार बीती 6 जनवरी को लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में अब लखनऊ पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आरोपी बनाया है। CJM कोर्ट ने धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी भी कर दिया है। अजीत की हत्या के समय से ही यह कहा जा रहा था कि धनंजय ने ही इसकी साजिश रची। इस हत्या को अंजाम देने वाले शूटर डॉक्टर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। डॉक्टर ने ही पुलिस को बताया कि धनंजय ने ही हत्या की साजिश रची है। वैसे तो धनंजय का नाम पहले भी कई हत्याओं में आ चुका है, लेकिन हर बार वह बचकर निकल जाता है। आइए जानते हैं धनंजय किस तरह से अपराध की दुनिया में आए। धनंजय के बारे में कहा जाता है कि 1992 में इंटर की परीक्षा के दौरान उसने एक युवक की हत्या कर दी थी। कुछ सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उन पर हत्याओं और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए। 1998 तक 50,000 के नामी बन चुके धनंजय सिंह पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। तब तक उनके पास पैसे हो गए थे, जिसकी वजह से पुलिस महकमे में भी उनकी पकड़ हो गई थी। कहते हैं कि इसी गठजोड़ का नतीजा था कि जिंदा धनंजय को पुलिस ने भदोही मुठभेड़ में मृत दिखा दिया। तारीख 17 अक्टूबर 1998 थी। पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर धनंजय के आने की सूचना पर छापा मारा, जिसमें 4 व्यक्ति मारे गए। पुलिस ने घोषित किया कि धनंजय मार दिया गया, लेकिन सच ये है कि धनंजय जिंदा और फरार थे, लेकिन कई महीनों तक अपनी मौत की खबर पर चुप बैठे रहे। फरवरी 1999 में जब वो पुलिस के सामने पेश हुए, तब भदोही फेक एनकाउंटर का राज खुला। धनंजय के जिंदा सामने आने के तुरंत बाद मामले में मानव अधिकार आयोग की जांच बैठी और बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। इस केस की सुनवाई भदोही की स्थानीय अदालत में अब भी जारी है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।